D23 के मार्वल अनाउंसमेंट के डिसअपॉइंटमेंट्स में कुछ फेज 5 के शोज और मूवीज में ये अनाउंसमेंट्स हुए जिन पर बात करना तो बनता है। तो चलिए करते हैं मार्वल पैनल एट D23 ब्रेकडाउन। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। पैनल की शुरुआत हुई ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के पैनल के साथ, जहां पूरी स्टारकास्ट स्टेज पे आई डायरेक्टर रैन कुगलर के साथ, और एक क्लिप दिखाया गया जहां क्वीन रमोंडा यानी एंजेला बैसेट इसी सीन के कंटिन्यूएशन में UN कन्वेंशन के साथ आर्ग्यू कर रही है। यहाँ UN कन्वेंशन में अमेरिकन डेलीगेट्स वकांडा में रखे वाइब्रेनियम के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि वाइब्रेनियम को एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज किया जा सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये हमने पहले कहां सुना था? I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. इसीलिए शायद ब्लैक पैंथर 2 के रिलीज ट्रेलर में ये क्लिप दिखा है, जहां कुछ सोल्जर्स शायद अमेरिकन सोल्जर्स वकांडा के लोगों पर अटैक कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि ये मामूली वकांडाज नहीं है पर दोरा मिलाजे हैं। इसका मतलब इस फिल्म में हमें ना सिर्फ वकांडा वर्सेस अटलांटिस देखने को मिलेगा, पर वकांडा वर्सेस बाकी दुनिया के नजारे भी देखने को मिलेंगे। उसी के बाद रायन गुगलर वहां खड़े रह गए और वहां उन्होंने आयरन हार्ट को इंट्रोड्यूस किया, जहां एंथनी रेमोस को एज अ विलन हुड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूं, उसका लिंक आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कम्युनिटी स्टार जिम रैश भी अनाउंस हुए एज पार्ट ऑफ द कास्ट। आपको याद होगा कि जिम इससे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक कैमियो कर चुके हैं एज एन MIT टीचर, और आयरन हार्ट में वो उसी रोल को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद पैनल होती है एंड मैन एंड द वॉस क्वांटम मेनिया की, जहां वही क्लिप दिखाया जाता है जो कॉमिक कॉन में दिखाया गया था। सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां कैंग स्कॉट लैंग से कहता है कि उसे उसके लिए कुछ चुराना पड़ेगा। तो ये मूवी भी एंड मैन 1 की तरह हाईएस्ट मूवी होगी, जहां एंड मैन को अपनी बेटी को बचाने के लिए क्वांटम जोन में कुछ चुराना पड़ेगा। फिर लोकी सीजन 2 का पैनल देखने को मिला, जहां भी एक क्लिप दिखाया गया, जहां ये भी कंफर्म किया गया कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और इंडियाना जोन्स के स्टार ये हुई क्वैन लोकी सीजन 2 में होंगे एज अ TVA ऑफिशियल। एको सीरीज पर भी बात हुई, जहां स्टार कास्ट और मेकर्स इंक्लूडिंग विंसेंट डिनाफ्रियो स्टेज पर आए, जो कंफर्म करता है कि किंगपिन इस सीरीज का पार्ट होगा। एक क्लिप भी दिखाया जाता है जहां माया लोपेस अपने नेटिव अमेरिकन रूट्स में वापस जाते हुए दिखे। डिनाफ्रियो फिर स्टेज पे रुक गए और उनको ज्वाइन किया चार्ली कॉक्स ने उनके सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में बात करने की। एक नया लोगो दिखाया गया इस 18 एपिसोड सीरीज का, और चार्ली ने कंफर्म किया कि ये नेटफ्लिक्स की सीरीज का कंटिन्यूशन नहीं होगा बल्कि एक नई शुरुआत होगी। अभी तक इन लोगों ने शूटिंग शुरू नहीं की है, इसलिए कोई क्लिप दिखाया नहीं गया, पर डेयरडेविल का शी हल्क सीरीज से एक सीन दिखाया गया, जहां जेनिफर और मैट मुड्रॉक के बीच थोड़ी फ्लर्टिंग, थोड़ी बदमाशी देखने को मिलती। तो मार्वल्स के तीनों स्टार ब्री लार्सन, इमान मल्लानी और तयोना पेरिस डायरेक्टर निया डिकोस्टा के साथ स्टेज पर आए और एक क्लिप दिखाया गया जो मिस मार्वल की पोस्ट क्रेडिट सीन की कंटिन्यूएशन है। इस क्लिप में कैप्टन मार्वल तो पहुंच जाती है कमाला के घर, जैसे हमने उस सीन में देखा था, पर कमाला पहुंच जाती है निक फ्यूरी के स्पेस स्टेशन, जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था इससे पहले, और साथ ही मोनिका पहुंच जाती है वहां जहां कैप्टन मार्वल थी एक क्री स्पेस शिप में, जहां कैरल डैनवर्स उनसे लड़ रही थी। यानी ऐसा कुछ पावर्स है जिसके वजह से ये तीनों हीरोज एक दूसरे के साथ जगह स्वैप कर रहे हैं। इस फिल्म के विलन जोई एस्टन का भी लुक दिखता है इस एक्सक्लूसिव क्लिप में, जो ऑडियंस के लिए रिलीज नहीं किया गया। जो चीज रिलीज की गई है वो है मार्वल की हैलोवीन 1 एपिसोड स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट, जिसका ट्रेलर फाइनली दिखाया गया एज रिलीज डेट बहुत नजदीक है। ये सीरीज आने वाली है October 7, 2022 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वेयरवुल्फ बाय नाइट एक हॉरर सीरीज होगी, इसी नाम के कॉमिक से प्रेरित है ये, और ये पूरा एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, जो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है मार्वल की लीडर की वापसी और सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की मूवी के बारे में बाद में एक अलग वीडियो में करूंगा, जो बहुत जल्द आ रहा है। तो थंडरबॉल्स कास्टिंग रिव्यू वीडियो और ब्रह्मास्त्र रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। और D23 रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, कीप वॉचिंग जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटन रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ProNeetDiary.blogspot.com में।